रांची यूनिवर्सिटी के पीजी योगा के विद्यार्थियों ने योग दिवस के पूर्व सामूहिक रूप से प्रस्तुति की, जिसमें भगवान शिव से लेकर मॉडर्न योगा को समाहित करते हुए नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस विद्यार्थियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंजलि। बिल्कुल, दिवस को लेकर पूरी रांची जो है योगामय हो गई है और हम इस वक्त जो है मोराबादी के दीक्षांत मंडप में है और यहाँ रांची विश्वविद्यालय पीजी योगा सेंटर के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के द्वारा कई तरह की प्रस्तुति की गई और वो जो प्रस्तुति थी काफी खास थी। तो हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। पहले लोगों की आप तस्वीर पहले देख लीजिए, एक अलग लुक है और कहीं ना कहीं योगा में ऐसी चीजें जो है हम लोग अमूमन बहुत कम देख पाते हैं। तो क्या प्रस्तुति थी और कैसे लोगों ने शिव तांडव को कनेक्ट किया और आज का जो मॉडर्न योगा है उससे जुड़ा है, तो इन चीजों को लेकर सबसे पहले जो डायरेक्टर है उनसे बात करते हैं। ये जो प्रस्तुति थी मूल रूप से क्या दिखाना चाह रहे हैं? शिव तांडव के दिखाकर बच्चे ये दिखाना चाह रहे थे कि शिव आदि योगी है, प्रथम योगी शिव है और शिव से ही योग की शुरुआत हुई है, तो इसलिए उन्होंने इस थीम को रखा। इसमें और खास क्या था जो आप बताना चाह रहे? शिव जी का जो प्रतीक होता है तांडव, जब वो मतलब तो खुश होते या दुखी होते तांडव करते, तो हमने तांडव के द्वारा आसन को मिक्स करके शिव के बारे में पूरा प्रतीक किया है। इसमें क्या महिला सशक्तिकरण भी एक कोई पार्ट था? हाँ, इसमें महिला सशक्तिकरण भी, क्योंकि महिला प्रकृति के प्रतीक मानी जाती है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हुए शिव जी को दिखा रहे थे कि उनका योग करके हम लोग वर्तमान समय में भी स्वस्थ रह सकते हैं और घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। योग हमें निरोग इस तरह से रखता है कि योग हमारे शारीरिक साथ साथ मानसिक दोनों पे इफेक्ट डालता है। अगर जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है वो हमें सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट डालता है और आज की डेट में मेडिकल साइंस कहता है कि 85% डिजीज जो है साइकोसोमेट्रिक होते हैं, मतलब उनका रूट हमारे माइंड में होता है और योग का डायरेक्ट इफेक्ट हमारा मन पे पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योग जो है डायरेक्टली ऐसे डिजीज को भी ठीक कर सकता है, जो फिजिकल है वो तो कर ही सकता है, साथ साथ जो मेंटल है मैक्सिमम डिजीज ये ठीक करने में हमें हेल्प करता है। अच्छा, ये बताइए योगा सर्वश्रेष्ठ है या जिम जाना ज्यादा? योगा। क्यों? क्योंकि योगा से बहुत सारा बेनिफिट है हम लोग को और जिम में सारे जो होते हैं वो मशीन के द्वारा किया जाता है और योगा से है कि योगा से को मतलब हर तरह का आसन करने से हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है और हमारे बॉडी को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। चलिए, तो इन लोगों की जो प्रस्तुति थी बेहद खास थी, इसीलिए इन लोगों से हमने बातचीत भी की है। तो जहाँ ये जरूर कहा जाता है कि योगा की जो शुरुआत है भगवान शिव ने की थी और कैसे भगवान शिव से लेकर के मॉडर्न युग का जो योगा है उसको इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट करके बेहद खूबसूरत प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। न्यूज 11 के लिए कैमरामैन अभि दास के साथ अंजनि कुमार रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। शुरुआत की गई थी ये ऐसा मानना है लोगों का। ये बताइए जो आप लोगों ने एक सामूहिक रूप से जो प्रस्तुति की क्या था? ये रिदमिक योगा इसे बोलते हैं, ये कंपटीशन में भी इंक्लूड किया गया और मैं खुद एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योगा में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोगों ने म्यूजिक की जगह एक शिव तांडव का सेलेक्ट किया क्योंकि शिव आदि योगी हैं, उन्हीं से योग का ओरिजिन हुआ है, तो हम उसी को रिप्रेजेंट करते हुए पिरामिड्स और डिफरेंट पोस्चर्स जो नेचर से लिया गया है उसको अडॉप्ट करते हुए हम लोग योगा फ्लो योगा में शो किए और इसमें हमारे पीजी योगा सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट ने